नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं हाई टेक्निकल। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं प्रोसेसर के बारे में और प्रोसेसर के बारे में ये हमारे मोबाइल में किस तरह से लगाए जाते हैं और इनके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होते हैं और वो कितने बिट के होते हैं। यहां मैं ये भी बताऊंगा आपके प्रोसेसर कितने बिट के होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले भी मैं थोड़ा बहुत प्रोसेसर के बारे में बता चुका हूं, उससे आपको नॉलेज मिलेगी और उसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो और बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं आपके जो प्रोसेसर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। प्रोसेसर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, 32-bit और 64-bit के, अभी जो आपके इजिली आसपास अवेलेबल हैं। दोस्तों ये फोन आपके फोन्स में भी, पीसी में भी और लैपटॉप में भी इस्तेमाल होते हैं, 32-bit प्रोसेसर और 64-bit प्रोसेसर। दोस्तों बिट जो होती है एक बेसिक यूनिट होती है डेटा को काउंट करने की। तो दोस्तों अगर आपको नाम से ही लग रहा होगा 32-bit मतलब कम डेटा और 64-bit मतलब ज्यादा डेटा, मतलब इसका मतलब इसमें जो आपका जो प्रोसेसर है उसमें 32 प्रोसेसिंग लाइंस हैं और जो 64-bit है उसमें जो है 64 डेटा लाइंस हैं। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आप जब किसी भी चीज को एंटर करते हैं तो वो 32-bit के फॉर्म में आपके प्रोसेसर में एंटर करता है और 64-bit के फॉर्म में एंटर करता है। तो वो प्रोसेसर पे डिपेंड करता है 32-bit प्रोसेसर है या 64-bit का प्रोसेसर है। तो आप जो इनपुट दे रहे हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, 32-bit का है 64-bit का है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32-bit का है तो आप उसमें सिर्फ एक एट अ टाइम 32-bit का डेटा एंटर कर सकते हैं जिसमें कि आपकी डेटा की स्पीड 64-bit के कंपैरिजन में स्लो होगी। वहीं अगर आप 64-bit का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे डेटा जो है 64-bit के फॉर्म में एंटर होगा आपके प्रोसेसर में और वो 32-bit के कंपैरिजन में फास्टर होगा। तो दोस्तों 64-bit का जो प्रोसेसर है वो आपका IBM ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने 7030 करके एक प्रोसेसर लॉन्च किया था, उसमें सबसे पहले लॉन्च किया था और ये काफी पहले 60s के टाइम में कर दिया था, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर में और उस टाइम के एडवांस कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता था, हमारे कॉमन यूज के लिए नहीं था। लेकिन आजकल 2000 के बाद लगभग ये काफी कॉमन हो गया और हमारे घरों में, हमारे जो है पीसीज में और आसपास हमारे लैब्स में इस्तेमाल होने लग गया। फिर भी इतना ज्यादा कॉमन नहीं हो पाया था, लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे हम 2000 के बाद की बात करें, जैसे जैसे और भी चीजें एडवांस होती गई तो इसमें और भी एडवांसमेंट आती गई और अब हमारे फोन्स में भी 64-bit आर्किटेक्चर का प्रोसेसर यूज होने लगा है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी 64-bit का यूज होने लगा है। तो दोस्तों यहाँ पे आज जैसा कि आपको पता चल रहा है कि 64-bit काफी एडवांस है और दोस्तों इसमें जो एक बेसिक डिफरेंस आता है वो बेसिक डिफरेंस आता है रैम का। आपका जो 32-bit का जो प्रोसेसर है वो 3 से 4 GB तक का ही रैम इस्तेमाल कर सकता है, जबकि 32-bit का और 64-bit का जो प्रोसेसर है वो आपका 4 GB से अबव का रैम इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा क्या क्या डिफरेंसेस है डेटा लाइंस में, प्लस जो है आपके रैम के इस्तेमाल में। रैम जो है ज्यादा से ज्यादा एरिया प्रोवाइड करता है, ज्यादा से ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डेटा एंटर करने के लिए आपके फोन के अंदर या फिर आपके प्रोसेसर के अंदर। तो दोस्तों आपको ये भी जानना चाहिए कि जो आपका जो 32-bit प्रोसेसर होता है वो नॉर्मली सिंगल कोर का होता है और जो 64-bit का जो प्रोसेसर होता है वो मल्टी कोर होता है, जैसे कि डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर एंड ऑक्टा कोर का। दोस्तों इसी तरह की आप जो है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग न्यूज ले आता रहूंगा। धन्यवाद। मेरा नाम है प्रशांत। जय हिंद। जय